हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीकृति सचदेवा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन टी पॉइंट। कहा जाता है ना, कल किसी ने नहीं देखा, तो यह बात सबके लिए लागू होती है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो एक मशहूर अभिनेता है और चाहे वो एक आम इंसान है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक मशहूर अभिनेत्री जिनका निधन कल हो चुका है। उनका नाम है गीता कपूर। आपने सुना होगा उनके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स दी हैं हमें। उन्होंने अपने पूरे एक्टिंग करियर में 100 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया, जिनमें से सबसे मशहूर मूवी का नाम है पाकीज़ा, जिसमें उन्होंने राजकुमार की दूसरी पत्नी का रोल निभाया था और पहली पत्नी का रोल मीरा कुमारी ने किया था। लेकिन वक्त जब करवट लेता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस मशहूर अभिनेत्री के साथ जब उनका बेटा उन्हें हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए छोड़ गया, यह कहकर कि वह एटीएम से पैसे निकलवा कर आ रहा है और एक साल तक लौटा ही नहीं। तब से लेकर उनकी अंतिम सांस तक बॉलीवुड के फिल्म मेकर अशोक पंडित उनकी देखभाल कर रहे थे। गीता कपूर के निधन के बाद उन्होंने यह ट्वीट करके बताया, हमें उन्हें स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करी पर अपने बेटा व बेटी से मिलने की इच्छा उन्हें कमज़ोर बनाती गई। उनके पार्थिव शरीर को 2 दिन तक कूपर हॉस्पिटल में रखेंगे और उनके बच्चों के आने का इंतज़ार करेंगे। अगर वो नहीं आए तो हम सब साथ मिलकर उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक मशहूर अभिनेत्री की दुखदायक कहानी। अगर आप और भी बॉलीवुड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।